चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए। गुड मॉर्निंग, ऑल इन वन कोचिंग सिवरी नारायण में आपका स्वागत है। जैसा कि बहुत दिन पहले हमने कहा था कि विज्ञान प्रयोगशाला का कंटिन्यू क्लास कराएंगे, क्योंकि बीच में तबीयत खराब हो गया था और हमारा चूंकि क्लास भी बहुत शेड्यूल बिजी था। जैसा कि आप लोगों को मैंने कई बार कहा है कि मॉर्निंग में हमारा जो क्लास चलता है ऑफलाइन बैच पीएससी व्यापम का साल भर वाला कोर्स चलता है, उसके बाद दोपहर में थोड़ा सा टाइम रहता है। फिर विज्ञान प्रयोगशाला का चूंकि पैड क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, तो विज्ञान प्रयोगशाला का क्लास दोपहर में चलता है और शाम में पीएससी का क्लास एक बार और चलता है ऑनलाइन क्लास, जिसके कारण समय कम होने के कारण लगातार क्लास आप लोगों के नहीं ला पा रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन हमारा बाकी पैड क्लास है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। भौतिकी का क्लास है, ज्यादातर लोगों भौतिक से डरते हैं और भौतिक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। आज आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि वास्तव में भौतिक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है और आज से हमारा क्लास फिर रोजाना चलेगा। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण। भौतिक में आज मेरा जो पहला क्लास होगा वो गुरुत्वाकर्षण होगा और गुरुत्वाकर्षण में आप लोगों को मैं बताऊंगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ये गुरुत्वाकर्षण क्या है, कैसे होता है, कैसे काम करता है, इन सारी चीजों को। और इसके साथ साथ लास्ट में जो एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों से मैं पाने की उम्मीद करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग उस क्वेश्चन के जवाब देंगे। तो चलिए, सभी के सभी आ गए हैं ऐसा मुझे उम्मीद है। आप लोग ध्यान रखेंगे रोजाना हमारा जो क्लास है वो 11 बजे से 12 बजे के बीच में किसी भी टाइम स्टार्ट होगा, ठीक है? इसी टाइम बस मैं खाली रहता हूं और बाकी तो हमारा क्लास चलता है। तो चलिए, बिना देरी के, बिना इधर उधर के बात किए हुए हम शुरू करते हैं आज के गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक। सबसे पहले इन चीजों को हम साइड में रखते हैं और गुरुत्वाकर्षण क्या है एक सिंपल कहानी पर चर्चा करते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण की अगर हम बात करें, गुरुत्वाकर्षण तो गुरुत्वाकर्षण है क्या? सबसे पहला हमारे जब जो टॉपिक हम पढ़े तो सबसे पहले हमारे मन में क्या बात आता है, गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण देखो, कोई भी दो पिंड है, पिंड का मतलब ऐसा कोई भी वस्तु समझ लो, मतलब कोई भी आकाशीय चीजों को हम पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य क्या है, एक पिंड है, चंद्रमा क्या है, एक पिंड है, पृथ्वी क्या है, एक पिंड है, तारे क्या है, एक पिंड है। मतलब आकाश में कोई भी चीज दिखे तो हम उसे अलग अलग नाम ना जानकर हम उसे क्या कह देते हैं, पिंड कह देते हैं। तो कई बार पिंड पिंड काय पिंडे रे, एक जे मेरे देखन थे विज्ञान के पुस्तक में पिंड है, पिंड है। तो पिंड मतलब कोई और चीज नहीं, कोई एक वस्तु है जो आकाश में है, वही चीज है पिंड है। तो कोई भी दो वस्तुओं के बीच या दो पिंडों के मध्य, इसके मध्य दो पिंडों के मध्य, पिंडों के मध्य क्या होता है, एक आकर्षण बल कार्य करता है। क्या करता है ये आकर्षण बल कार्य करता है? एक कौन सा बल? आकर्षण, आकर्षण बल कार्य करता है और इसी आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। बड़ा सरल हो गया, दो पिंडों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। बोलो, एक पिंड ये है इसका द्रव्यमान M1, एक पिंड ये है इसका द्रव्यमान M2, इनके बीच आकर्षण बल काम कर रहे हैं, यही आकर्षण बल क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण। तो ये गुरुत्वाकर्षण क्या? अच्छा, गुरुत्वाकर्षण की कहानी कहां से शुरू होती है? दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की कहानी शुरू होती है यहां से, देखो इस जगह से। ये देख रहे हो ये कोने, ये बाबा कस दिखे मत की है, ये कोने, ये हरे बाबा न्यूटन। अब बाबा न्यूटन एक दिन के बाद मैं बता था कहानी ले, एक दिन मोला बता रही बाबा न्यूटन एक दिन दऊ का करबे कथे, इसने खा पी के, अब पहली के जमाना में ना एसी रहे ना कूलर रहे, आपी के बढ़िया पेड़ के तरी में सुते रहे ऐसे करके, आंखी बढ़िया झपकी मारत रहे कथे, और ये सेव अचानक गदले मुड़ी में गिरीस करते, मुड़ी ठपका फूल गया, ऐसे जतका बढ़ते हो ततका बढ़ते। अब
अगर कोई चीज न्यूटन ला परेशान करी, मतलब ए मन ए हमन ला परेशान करी, पढ़े लागी वो टॉपिक ला, हमन तो परेशान को कुछ कर दो। तो ये अब न्यूटन ने इसे परेशान किया, सेव, सेव ने परेशान किया। तो न्यूटन ने सोचा कि भाई ये सेव नीचे गिरी तो नीचे काबर गिरी, यह ऊपर काबर नहीं गिरी, यह तिरछा काबर नहीं गिरी, यह एती काबर नहीं गिरी, यह ओती काबर नहीं गिरी, ये नीचे काबर गिरी। बस ई मेरे लिए चालू हो गए एकर खोज गुरुत्वाकर्षण के। तो याद रखना गुरुत्वाकर्षण का, ये न्यूटन को ध्यान रखना, न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। एग्जाम में पूछेगा न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, किसने दिया, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया। अब सर यह गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, अगर नियम दिया कह के छोड़ दो तो फिर काम पूरा नहीं हो पाई। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम दिया, यह सार्वत्रिक नियम है क्या, यह सार्वत्रिक नियम कहता है यह एफ मतलब गुरुत्वाकर्षण का बल है, गुरुत्वीय बल कहेंगे हम इसे, एफ को, एफ का मतलब अंग्रेजी में फोर्स है, यहां जी एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है सर, ये का लिख दे, ये सार्वत्रिक नियम है। हाँ, ये बहुत सरल चीज है, ये कहता है ये सबसे पहले कौन कौन क्या क्या चीज है, मैं इसको डिटेल से बता देता हूं। जी, जी जो है एक गुरुत्वीय नियतांक है, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत सरल टॉपिक है। जी का है गुरुत्वीय नियतांक, इसी को हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, नियतांक कांस्टेंट वैल्यू क्यों, क्योंकि ये कभी भी बदलता नहीं है, इसका मान हमेशा फिक्स है, 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक। तो ये इसका इतना जो मान है 6.67 into 10 to the power 11 इसका मान फिक्स है, और जिसका मान फिक्स है कभी मत बदले, वो गुरुत्वीयतांक कहलाता है, कांस्टेंट वैल्यू कहलाता है। इसके बाद यहां m जो है, m का मतलब है मास, मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान वास्तव में द्रव्यमान को इनडायरेक्ट रूप से वजन समझ सकते हो, इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट में नहीं, इनडायरेक्ट रूप से वजन है समझो। ठीक, अब हम बात करते हैं यहां r क्या है, r दो पिंडों के बीच की दूरी, देखो यहां m का मतलब यहां पर मास है द्रव्यमान, और इन दोनों के बीच की दूरी जो भी रहेगी इसी को ही हम कहेंगे r। कुछ कुछ बुक में d दिया है, d मतलब डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं इसको क्या ले लेता हूं, r ले लेता हूं, ये आपकी मर्जी। ठीक है, r रेडियस नहीं, बीच की दूरी है। ठीक है, दो पिंडों के बीच की दूरी, पिंडों के बीच की दूरी कहीं कहीं पर इसको डी लिखा रहता है ना, किसी किसी बुक में, अलग अलग बुक में। ठीक, तो ये पिंडों के बीच की दूरी है, दो पिंडों के बीच, मतलब सर इसको देखे तो समझ में क्या आ रहा है, मैंने कहा कि भाई दो पिंड जब होंगे तो इनके बीच आकर्षण बल लगेंगे, यही आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण है, मतलब यहां पर इन दो पिंडों के बीच कितना आकर्षण बल लग रहा है उसी को इस फार्मूले में बताया गया है। तो इस फार्मूले में यह बताया गया है कि द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, देखो जो चीज ऊपर में रहता है उसे अनुक्रमानुपाती कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसका मान बढ़ेगा तो बल का मान बढ़ेगा, जैसे इसे 10 रखेंगे, 10 गुणित 10 करेंगे तो 100 आएगा, इसे 20 गुणित 20 करेंगे तो ये 400 आ जाएगा, मतलब इसका मान जितना ज्यादा होगा उतना इस बल का मान बढ़ेगा, जो चीज ऊपर में रहता है उतना मान बढ़ता है, लेकिन यहाँ बीच का दूरी का के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, ये बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमण नीचे जो रहता है उसे व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, ऊपर में रहे तो क्या कहेंगे, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, और नीचे जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो इसी फार्मूला बस को याद रख लोगे ना तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वीय त्वरण का नियम जो है याद हो जाएगा, क्या कहता है, ये गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल किसके बराबर होता है, तो गुरुत्वीय बल जो होता है वो द्रव्यमान, दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन
दो पिंडों के गुणनफल, द्रव्यमान के गुणनफल, दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, लेकिन दो पिंडों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम, जो नियम मैंने अभी आप लोगों को बोल के बताया कि दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उस दो पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसी बात को ही हम कहते हैं गुरुत्वीय बल। ये सिद्धांत जो मैंने अभी बोल के बताया, इस सिद्धांत को मैंने नहीं दिया, तक कौन है देह तर, अभी तो थोड़ी देर पहले बताए हैं, ए बाबा हर देह, ए दे बैठे रहते हैं, न्यूटन एकरे ना, तो इस न्यूटन ने दिया। ठीक है, बात आया समझ में? बोलो तो आया बात समझ में? तो इस तरह ये जो है, यहां तक इससे क्या समझ में आएगा, इससे हमें क्या समझ में आएगा, यहां से क्या क्या प्रश्न बनेंगे, तो यहां से क्या क्या प्रश्न बनेंगे चलिए अब मैं बताता हूं। पहली चीज, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या मैंने बताया, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है इनके गुण, इनका मान बढ़ने से इसका भी मान बढ़ेगा। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, इसका मान बढ़ेगा तो बल का मान कम होगा और इसका मान घटेगा तो बल का मान ज्यादा होगा, मतलब उल्टा होगा, बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है सर, क्योंकि यार बड़े संख्या से भाग दोगे तो कट के छोटा आ जाएगा और छोटे संख्या से भाग दोगे तो बड़ा मान आएगा, इसीलिए इसे कहते हैं, इसे व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, क्योंकि इसे भाग दे रहे। अब देखो एग्जाम में पूछा क्या गया है, मैं वो दे रहा हूं। ठीक है, अब एग्जाम में क्या बात पूछा है वो मैं बता रहा हूं। चलो एग्जाम के बाद आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ये फार्मूला एग्जाम में पूछा है, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये चंद्रमा है। ठीक है, ये पृथ्वी है और एक चंद्रमा है। अब बोलो इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण है कि नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल है सर, बिल्कुल है। तो इन दोनों के बीच में अगर गुरुत्वाकर्षण बल है, क्योंकि ये दो पिंड है और हर दो पिंड के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो जो भी होगा, जितना भी होगा हमें नहीं पता, मान लो जितना भी गुरुत्वाकर्षण बल है, अगर इनके इनके बीच के दूरी को तीन गुना कर दिया जाए, दूरी को तीन गुना, दूरी दूरी को तीन गुना कर दिया जाए, तो बताइए इनके बीच लगने वाला जो बल है वो कितना गुना हो जाएगा। दूरी को तीन गुना करना है, दूरी को तीन गुना करना मतलब किसको तीन गुना करना है, ये आर जो है, इस आर को तीन गुना करना है। अब दोस्तों आर को तीन गुना करना मतलब जो आर है इसके बदले तीन लिख दो, आर है उसके बदले क्या लिख दो, तीन, लेकिन आर में क्या लिखा हुआ है, आर का वर्ग लिखा हुआ, तो यहां पर कर दीजिए इसका वर्ग। और इस तरह ये ध्यान रखना, ये आर का वर्ग, क्योंकि ये बटे में है, ये दोनों चीज बटे में है, इसलिए इस कहानी को बटे में लिखेंगे, एक बटे। तो ये तीन का वर्ग का मतलब होता है तीन गुणी तीन, जितना घात रहता है उतने बार गुणा, और इस तरह ये हो जाएगा एक बटे नौ गुना। तो ध्यान रखना, अगर हम दो पिंडों के बीच की दूरी को तीन गुना करेंगे तो उसका जो गुरुत्वीय बल है वो एक बटे नौ गुना हो जाएगा, उल्टा कम हो जाएगा। अच्छा, इसको आप बड़े आसानी से समझ भी सकते हो दोस्तों। आप ये चुंबक जानते होंगे, कोई भी दो पिंड कैसे खींचते हैं एक दूसरे को, चुंबक के जैसे, हर पिंड एक चुंबक के जैसे होता है। चुंबक में आपने बचपन में खेला होगा, तो चुंबक में आपने बचपन में खेला होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि चुंबक को जब ये दो चुंबक थे जिसको जिससे हम खेल रहे हैं, चुंबक को जब हम दूर में रखते थे, आप लोग ऐसे ऐसे चिपकाने चिपकाने वाला खेल खेले होंगे, तो जब चुंबक को दूर में रखते थे तो कम बल महसूस होता था, लेकिन चुंबक को जैसे ही नजदीक लाते थे खट से चिपक जाता था ऐसे। क्यों? क्योंकि चुंबक जब नजदीक में आता है तो उसका बल बढ़ जाता है, और बल बढ़ने के कारण खट से चिपक जाता है। तो दूरी कम होगा तो बल बढ़ेगा। तो देखो वही चीज तो हम कह रहे हैं, ये कम होगा तो बल बढ़ेगा, और अगर ये चुंबक को दूर में रखोगे तो उसका बल कम समझ में कम खिंचाएगा। तो दूरी बढ़ने पर क्या हुआ, बल कम खिंचाया। तो वही चीज तो मैं यहां कह रहा हूं, इसीलिए तो इसे व्युत्क्रमानुपाती कह रहा हूं, इसीलिए ये व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है, ये बढ़ेगा तो बल का मान कम होगा, ये कम होगा तो बल का मान बढ़ेगा, ये बात। अब दूसरी बातें यहां पर देखो, इसीलिए एग्जाम में यहां पर पूछा
कि दूरी को तीन गुना कर दिया जाए। देखो दूरी को तीन गुना तो भले ही कर दिया तो उसका गुरुत्वीय बल बढ़ेगा नहीं बल्कि उल्टा कम होगा, बटे नौ हो जाएगा। इसी चीज को मैं समझा रहा हूं, ये बात समझ में आया, यहां से प्रश्न बने हैं ये ध्यान रखना। तो एक पॉइंट ये है। अब दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को और बता रहा हूं। अब देखो दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, दूसरा पॉइंट बताने के लिए मैं सबसे पहले ये दोनों चित्र को उस जगह पर लेके जा रहा हूं दूसरा पॉइंट को समझाने के लिए। तो देखो दूसरा पॉइंट हम समझेंगे यहां से। अब दूसरा पॉइंट में क्या समझना है, देखो ये गुरुत्वाकर्षण हर जगह बराबर नहीं होता। तो गुरुत्वाकर्षण के कुछ नियम होते हैं, गुरुत्वाकर्षण को न्यूटन ने दिया है और उसके फार्मूला भी आपने पढ़ा है। ये गुरुत्वाकर्षण का कुछ नियम होता है, देखो इसको कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांट रहा है इसलिए भूमध्य रेखा। और ये वाला जगह कहलाता है ध्रुव, ये ध्रुव, ये भी ध्रुव कहलाएगा ध्रुव, और ये भी ध्रुव कहलाएगा, ये भी ध्रुव कहलाएगा। लेकिन ये उत्तरी ध्रुव कहते हैं और इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्यों, क्योंकि दुनिया में हम कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हमारा दिशा हमेशा ऐसी होता है, ये ऊपर को उत्तर कहते हैं, नीचे को दक्षिण कहते हैं, राइट साइड को पूर्व कहते हैं और लेफ्ट साइड को हम कहते हैं पश्चिम, ये पश्चिम कहलाता है। ये इस आधार पर देखो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो सर यह पूर्वी ध्रुव हो गया, यह पश्चिमी हो गया सर। अच्छा इसने पढ़ाई रही स्कूल में चुंबक ला, चुंबक में कभी पूर्वी ध्रुव और पश्चिमी ध्रुव पढ़े रहा नहीं पढ़े हैं सर। तो ओकरे बा एमा ना तो चुंबक में पूर्वी पश्चिमी ध्रुव होता है और ना ही आपके पृथ्वी में पूर्वी पश्चिमी ध्रुव होगा। तो पृथ्वी में के ये बीच वाला रेखा विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, भू को मध्य में से काटने वाला रेखा भूमध्य रेखा, और वो ऊपर और नीचे जैसे चुंबक में आपने बचपन में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पढ़ा था वैसी ये उत्तरी नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव ये होते हैं। अच्छा बचपन में आपने ऐसा ये कीड़ा मकोड़ा वाला ऐसा मकड़ी जाल बनाया होगा, बचपन में भले ही इस चीज को मत समझे रहो लेकिन ये मकड़ी जाल नहीं, ये बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं जहां पर ज्यादा होंगे वहीं पर सबसे ज्यादा बल काम करता है, खींचने का बल, आकर्षण बल। अब देखो तो चुंबकीय बल रेखा कहां पर ज्यादा है, चुंबकीय बल रेखा मुझे लगता है आपको ये जगह दिख रहा होगा बहुत सारे रेखा और इस जगह दिख रहा होगा बहुत सारे रेखा। मतलब आपको चुंबक में दिख रहा है, ये प्रयोग आपने दसवीं में किया है कक्षा दसवीं में, कि चुंबकीय बल रेखा दोनों ध्रुवों में ज्यादा है चुंबक के। यही कारण है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों में चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है, मतलब खींचने का शक्ति आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों धरती भी एक चुंबक के भांति है, जैसे चुंबक के दोनों ध्रुवों में ये रेखा ज्यादा है मतलब खींचने का ताकत ज्यादा है, उसी तरह यहां पर पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति कार्य करता है। और यही कारण है चुंबकीय बल रेखा कहां सबसे गुरुत्वाकर्षण कहां सबसे ज्यादा होगा, तो गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा होगा दोनों ध्रुवों में। तो पहला पॉइंट इसमें ये याद रखेंगे कि न्यूटन के द्वारा ही बताए गए नियम में कि चुंबक गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण दोनों ध्रुवों में सर्वाधिक होते हैं, दोनों ध्रुवों में सर्वाधिक, ध्रुवों में सर्वाधिक, सर्वाधिक दोनों ध्रुवों में क्या होते हैं, सर्वाधिक होते हैं। अब दोस्तों यहां पर अधिक है तो यहां से हम नीचे जाते जाएंगे, यहां से इधर आते जाएंगे तो इधर कम होता जाएगा, और यहां से भी इधर आते जाएंगे तो यहां पर कम होता जाएगा। तो बताओ पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण कम कहां पर होता है, तो पृथ्वी के सतह में गुरुत्वाकर्षण इस जगह से जो सबसे दूर में होगा, इस जगह से जो सबसे दूर में होगा, इस दोनों जगह से सबसे दूर में कौन है दोस्तों, तो ये दोनों जगह से सबसे दूर में ये भूमध्य रेखा है। और यही कारण है पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर भूमध्य रेखा में गुरुत्वाकर्षण कम होता है, भूमध्य रेखा में जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा में जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं गुरुत्वाकर्षण
कर्षण कर्षण कम होता है, सबसे कम कहेंगे, सतह में सबसे कम, सबसे कम सतह में सबसे कम होता है। तो इस जगह पर सबसे कम होगा, इनके ध्रुवों में कम होगा, ठीक है, ये बात। अब एक बात और ध्यान रखना, इस पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जाने से भी गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यही कारण है दोस्तों कि आप लोग सुने होंगे कि सैटेलाइट बहुत सारे उपग्रह हमारे पृथ्वी के ऊपर में क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। अच्छा, हमन कई बार सुने हैं कि फलाना सैटेलाइट ला हमारे धरती के ऊपर में स्थापित करी। कहू दिन नहीं ऐसे सोचे है कि वो सैटेलाइट है हमारे नीचे काबर नहीं गिरत थे रे, कहू दिन ऐसा सोचे है कि उमेर ले नीचे काबर नहीं गिरत थे धरती में। एक रे कारण देखो, गुरुत्वाकर्षण रहेगा तो वो नीचे गिरेगा, लेकिन उसको इतने दूर हम स्थापित कर देते हैं जहां से गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है, जिसके कारण ये धरती कोई उस पिंड को खींच नहीं पाता। मतलब दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे धरती के ऊपर जाते जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता जाएगा, शून्य होता जाएगा। यही कारण है कि हम ये जो भी उपग्रह को स्थापित करते हैं उसको पृथ्वी के ऐसे कक्ष में स्थापित करते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य हो। यही कारण है कि वो धरती में नीचे गिरता नहीं, वहां अटक जाता है। आपको भी वहां मैं छोड़ दूंगा तो आप भी वहां तैरते रहोगे हनुमान जी के जैसे ऐसे, ठीक है। तो इस तरह जो है ये ध्यान रखना है। तीसरी बात कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, बल का मान क्या होता है, कम होता है, बल का मान कम होता है। ठीक उसी तरह दोस्तों धरती, इसका कारण यही है कि एकदम ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो एकदम ऊपर में फिर एक समय ऐसा आएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य हो जाएगा। ठीक इसी तरह पृथ्वी के नीचे जाने पर, पृथ्वी के सतह के नीचे जाने पर, पृथ्वी के सतह के अगर आप नीचे चले जाएंगे तो नीचे जाने से भी गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटता है, नीचे जाने से, ठीक है, कहां जाने से, पृथ्वी के सतह से नीचे जाने से नीचे जाने से भी गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। यही कारण है दोस्तों जैसे ये धरती है, इस धरती में हम कुआं खोदते हैं तो ये कुआं में जो हम बाल्टी डालते हैं ना, ये बाल्टी नीचे की ओर जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसका जाने का जो गति है वो कम हो जाएगा। और ये ध्यान रखना कि ये पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है, शून्य, कहां पर, इस पृथ्वी के अंदर बीच में। ध्यान रखना पृथ्वी के ये भूमध्य रेखा सतह का बीच है, अब पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी गोल है उसके अंदर के बीच जो जगह है यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य होता है। मतलब मैंने ये बात कहा दोस्तों कि हम आकाश के ऊपर में किसी उपग्रह को उस जगह में छोड़ देते हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य है तो वो नीचे नहीं गिरता। मतलब अगर मान लो ऐसा पॉसिबल हो, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लो ऐसा पॉसिबल हो जाए कि धरती को छेद कर दिया जाए, छेद एकदम बीचो बीच, और धरती को छेद करके यहां अगर मैं कोई पत्थर फेंकूं तो बोलो तो इस पार से इस पार जाएगा कि नहीं, ये पत्थर बतावा जी, ये पत्थर है ए पार ले पार जाए कि नहीं, अगर धरती ला पूरा छेद कर दे, वो पोल कर दे, बोता बोलो तो दोस्तों, धरती को अगर पूरा पूरा ऐसा छेद कर देबो ना तब हो नहीं जाए हमन पत्थरा फेंक बोत आर पार। काबर काबर की ई मेर ले तो गुजर के जही ना ये पत्थरा है, और जैसे ही ए मेरा ही ना तो गुरुत्वाकर्षण बल के मान शून्य, और गुरुत्वाकर्षण बल के मान शून्य मतलब ई मेर ऐसे अटक जही, ठीक है। तो इस तरह यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाता है शून्य तो वो चीज यही अटक जाएगी, यही पर फंस जाए। तो ये है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य होता है, पृथ्वी के केंद्र पर
केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो अभी तक क्या क्या सीखा? ध्रुव सतह की बात करें तो ध्रुवों में सबसे ज्यादा होता है और भूमध्य रेखा में सबसे कम होता है। पृथ्वी के ऊपर जाते जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता जाएगा और एक स्थिति ऐसा आएगा कि शून्य हो जाएगा। ठीक उसी तरह पृथ्वी के नीचे अगर अंदर में छेद करके जाएंगे तो भी गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता जाएगा, अब पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य हो जाएगा। इतना बात उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में एकदम कंठस्थ बैठ गया होगा। पांच बात, ठीक है। अब इसी तरह ये ध्यान रखना, तब दोस्तों हम लोग कोई भी चीज गुरुत्वाकर्षण अगर कहां तक जाता है, कोई भी चीज मतलब खींच रहा है तो कहां तक खींच रहा है? क्या गुरुत्वाकर्षण सतह में होता है? नहीं, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र जो होता है वो पृथ्वी का केंद्र है। इसीलिए कोई भी चीज अगर कहीं भी जाएगा तो वो केंद्र में ही जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण का केंद्र पृथ्वी का सतह रहता ना तो बाल्टी को कुआं में फेंकते तो बाल्टी कभी नीचे जाता ही नहीं, बाल्टी नीचे ही नहीं जाता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहां है? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र ये पृथ्वी का अंदर है केंद्र, और यही कारण है कि आप कुछ भी चीज फेंकोगे तो आप कहां जाओगे? नीचे जाओगे। अच्छा एक बात और, मैं बचपन में था तो एक बहुत टेंशन हुए यार, मोला अति टेंशन हो, ये धरती में जेमन एती के देश में राहत हुई, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गए, जैसे एती के अफ्रीका देश हो गए, एती के देश में जेमन राहत हुई तेमन नीचे गिर जात हो ही कहो मैं, एक खाली धरती के देती ऊपर में जेमन हवा तीमन बस रेंग सकत हो ही कहो, का सही बात है जी? एती के मन काबर नहीं गिरे, ये नीचे कति देश में जेमन रहते तेमन गिरा काबर नहीं ऐसे? तो दोस्तों इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। ये धरती के कहीं पर भी आप कोई भी चीज को ऊपर ऐसे फेंकोगे तो वो नीचे आएगा। मैं भले ही कह दिया कि यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है, लेकिन ये जो कम है ना ये बहुत बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है यहां और यहां में। गुरुत्वाकर्षण पूरे धरती के हर एक सतह में है, थोड़ा मोड़ा अंतर होता है। तो एती के एतीर के आदमी मन गिरा एकर बनी काबर की वो किसी भी जगह में रहे वो आखिरी में पृथ्वी उसको खींचता ही है। अच्छा सर पृथ्वी खींचते तो एती के मन ला तो उल्टा लागत तो ही ऐसे अधर मतलब ऐसे उल्टा लागत तो ही लटके हनकस लागबे नहीं करे। काबर? क्योंकि आकाश अनंत है, आकाश शून्य है। जिस आकाश को आप ऊपर से जैसा देख रहे हो वही आकाश नीचे से भी वैसी दिखता है, इसलिए पता ही नहीं चलता। एक्चुअल में आप भारत में है, आप भारत में है और भारत यहां पर है, यहां पर ये देखो ये ऐसा मत ऐसे लगती कि हमन दीवार मरेगा थन का ऐसे देखा तिरछा है भारत लागते तुमन लजी नहीं लागे। काबर की आकाश ए मेर ले जैसना है उसने यू मेर ले है और उसने यू मेर ले। तो बस यही अंतर है कि दोस्तों ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही कोई आदमी धरती से गिरता नहीं है और उसको ये नहीं फील होता कि वो ऐसे लटका है कि ऐसे लटका है, ये सब गुरुत्वाकर्षण का खेल है। बात समझ में आया? बोलो तो अब बचपना के जो असमंजस रही थे क्लियर हो गए। तो इस तरह की कहानी है गुरुत्वाकर्षण की कहानी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण को आप लोगों को पेड क्लास में और डिटेल से समझाएंगे ये क्या होता है कैसे काम करता है। इसमें यहीं तक रखते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इसको मैंने यहाँ लिया है। अगर आपको पेड कोर्स करना है विज्ञान प्रयोगशाला परिचारक का तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसका क्विज मैं कराऊंगा भी, किस कारण जो है इसमें इसमें से जो टॉपिक मैं पढ़ाए यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं ये मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहां से एक बात और, ध्रुव में अगर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है तो इसका कारण क्या है? क्योंकि यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होते हैं, ये इसका कारण है। अब देखो एग्जाम में यहां से क्या क्या प्रश्न बने हैं, चलो इस एग्जाम में आए हुए प्रश्न पर चर्चा करते हैं। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का नियम किसने प्रस्तुत किया था? चलिए फटाफट आप जवाब देते जाइए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? फटाफट जवाब दीजिए फटाफट।
हाँ ओनली साइंस भी करना है तो आपको ओनली साइंस मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस करना है कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अभी भी ऑफर चल रहे हैं मात्र 1500 में। यार 1500 तो आदमी एक महीने में खा के थूक देता है। 3 महीना पूरा पढ़ाएंगे एकदम डिटेल से, ढाई ढाई तीन तीन घंटे का क्लास होगा। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। अगर आप पिछड़ रहे हैं तो ये आपकी गलती है। बहुत सारे स्टूडेंट जब आप जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल खिंचा रहा है वो क्या होता है कह रहे हैं। तो सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, मतलब जो सूर्य खींच रहा है वो कम खींच रहा है कहता है, पृथ्वी ज्यादा खींच रहा है कहता है। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है एक दूसरे के बराबर है कहता है। फिर कहता है सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है। एक में कहता है वो अधिक हो रहा है, और दूसरे में कहता है, अगले में कहता है वर्ष भर एक दूसरे के सम, एक वर्ष भर एक समान रहता है, वर्ष भर एक समान रहता है कहता है। दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन बी होगा। कारण सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो समान होता है। कैसे बता रहा हूं देखो, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अगर किसी का भी बल ज्यादा रहता, मान लो इसका बल अधिक रहता, बल अधिक सूर्य का अधिक, अगर सूर्य का बल अधिक हो जाता तो सूर्य का बल अधिक हो जाता तो क्या होता बताओ तो ये होता जो मंजूरे खुदा होता। अब मंजूरे खुदा क्या है, ये धरती जो है सूर्य का बल अधिक हो जाता तो ये धरती सूर्य में जाके समा जाता, क्योंकि सूर्य इसे खींच देता, बल अधिक होता तो। अगर पृथ्वी का बल अधिक हो जाता तो ये सूर्य को पृथ्वी खींच देता। लेकिन क्या सूर्य को पृथ्वी खींच रहा है या पृथ्वी को सूर्य खींच रहा है, नहीं खींच रहा। अगर ऐसा होता तो हमारा धरती जाके सूर्य में समा जाता, टक्कर हो जाते दोनों की। तो दोनों बराबर नहीं है, सॉरी दोनों के किसी के ज्यादा किसी के कम नहीं है, दोनों के बल एक समान है, जिसके कारण वो एक दूसरे को एक दूसरे में जाके नहीं समा रहे हैं, टकरा नहीं रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, ये ऐसे पोजीशन में पृथ्वी है कि दोनों के बीच का जो गुरुत्वीय बल है वो एक बराबर हो गया, जिसके कारण वो एक दूसरे में जाके टकराएंगे नहीं, कभी नहीं टकराएंगे। तो ये ध्यान रखना, इसलिए चूंकि पृथ्वी पर सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, जो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है उतना ही सूर्य पर पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, दोनों बराबर है। ठीक है, समझ गए इस कॉन्सेप्ट को, कैसे क्यों बराबर है। चलिए अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दुगनी हो जाए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है जो वर्तमान दूरी की अपेक्षा दुगनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, तो पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होगा, पहले की अपेक्षा दुगना हो जाएगा, पहले की अपेक्षा चार गुना हो जाएगा, पहले की अपेक्षा आधा हो जाएगा, और पहले की अपेक्षा एक चौथाई हो जाएगा। चलो लगाओ दिमाग, क्या होगा। आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है आपने गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, फार्मूला पढ़ा है जी एम वन एम टू, ये पहले का मास और दूसरे का मास बटे दूरी का वर्ग। चलो बताओ, बहुत आसान है इसमें दोस्तों, ये क्या हो रहा है, दूरी को क्या करना है, दूरी की अपेक्षा दुगना, दूरी को दुगना करना है। तो देखो इसी बात को मैं आपको समझाया था, दूरी r है तो r को दो कर दिया, और चूंकि ये r नीचे में रहता है इसलिए इसे बटे में लेना है, और जो भी दूरी रहता है उसका वर्ग करना रहता है, तो मैं दो का क्या कर दूंगा, वर्ग कर दूंगा, दो का वर्ग कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक बटे ये दो का वर्ग, मतलब दो गुणित दो, तो दो दो ने क्या हो जाएगा चार, तो एक बटे चार गुना हो जाएगा, और एक बटे चार गुने को क्या कहते हैं, एक चौथाई कहते हैं, एक बटे चार गुने को क्या कहा जाता है, एक चौथाई कहा जाता है। ये आप लोगों के जो फार्मूला जो न्यूटन ने दिया था सार्वत्रिक गुणा का, उसका फार्मूला है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, इजी प्रश्न था, बस आप दिमाग नहीं लगा पाए,
क्यों दिमाग नहीं लगा पाए? क्योंकि ऐसा प्रैक्टिस किया नहीं। तो ये ध्यान रखना बहुत इजी है और इसी तरह के प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। आगे देखिएगा, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है। पिंड का जो भार है, भार मतलब वो गुरुत्वाकर्षण बल जो है भार को सहायता करता है, बस कहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है कम होता है इस आधार पर इसका आंसर देना है। पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, बताओ गुरुत्वाकर्षण सभी स्थानों पर एक समान होता है क्या? नहीं। दूसरा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की अपेक्षा पहाड़ पर अधिकतम होता है। चलिए देखिए इसमें क्या आंसर। बिल्कुल, किसी पिंड का जो भार है वो कहां पर अधिकतम होगा? भार मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण भार बनता है, तो याद रखना कहां पर अधिकतम होगा? तो वो होगा ध्रुवों पर, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है। अभी वही प्रश्न को बोला है कि विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिकतम होता है, क्यों? अब बताइए क्यों ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए कहता है ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, पृथ्वी पर हिम टोप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है, और चौथा कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखा, हम पढ़ते हैं बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन एग्जाम में जब प्रश्न पूछता है ना तो हम घूम जाते हैं। क्यों? इसीलिए एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जरूरी है, या किस तरह के प्रश्न आते हैं उनको जानना जरूरी है। मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ाया है और समझाया है, अब आप लोगों को क्या लगेगा? हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं है। आप बुक पढ़ोगे तो क्या लगेगा? हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं है, लेकिन एग्जाम में उठपटांग प्रश्न आ गया। हाँ, ध्यान रखना दोस्तों, मैंने बताया था कि जहां पर चुंबकीय बल रेखा अधिक होते हैं इस कारण वहां पर क्या रहते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल है अधिक रहता है। हमारे धरती पर भी ध्रुवों पर ही तो चुंबकीय बल रेखा अधिक होंगे, तो चुंबकीय बल रेखा अधिक होंगे इसलिए ध्रुवों पर ही आपके आकर्षण बल ज्यादा होंगे। ध्रुवों पर आकर्षण बल अधिक है, क्यों? क्योंकि आकर्षण बल अधिक होना इसी कारण वो भार ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा। लेकिन इसका कारण क्या है? तो चुंबकीय बल रेखाएं हैं। और ऐसा कहीं किसी ऑप्शन में है क्या? ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ये तो घूर्णन घूर्णन बोल रहा है, और यही कारण है इसके ऊपर के सभी आंसर गलत है, और इसलिए इसके आंसर क्या है उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, हिम टोप का मतलब है हिम आच्छादन। पूरा पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण दोनों ध्रुव जो होते हैं वो बर्फ से ढके होते हैं, उसी को हिम टोप कहा है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का क्लास। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारा क्लास कैसा लगता है ये जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के इसी कमेंट के कारण ही मैं यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूं, नहीं तो मेरा ऑनलाइन पेड कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले चुके हैं। अगर आपको पूरे ऑल टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है, एक एक चीजें पढ़ना है, डीप से पढ़ना है, तो फिर हमारा जो क्लास है वो जरूर ज्वाइन करिएगा। अभी इसमें ऑफर प्राइस चल रहा है, इसको अक्टूबर तक बोला था लेकिन बहुत सारे लोग फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए जो डिस्काउंट ऑफर है इसको कुछ दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। 2500 फीस है, जिसमें 1000 का डिस्काउंट चल रहा है। मात्र 1500 रुपए में पूरे कंप्लीट कोर्स, प्रयोगशाला, आपके परिचारक प्लस भृत्य के जो एक और पेपर होंगे, दोनों पेपर के कोर्स मात्र आपके 1500 में। इससे सस्ता और इससे बेहतर अगर क्लास कहीं मिल जाएगा तो मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, जो क्लास हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए इससे ज्यादा और क्या विश्वास दिलाऊं आपको। तो क्लास, अगर ज्यादा डेमो क्लास चाहिए, आपको बहुत सारे क्लास, फ्री क्लास चाहिए, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्लास है, वो प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे क्लास देख सकते हैं। बहुत सारे क्लास हमने छत्तीसगढ़ का भी कराया है, प्लेलिस्ट में जाइए इसी चैनल के, वहां भी मिल जाएंगे आपको फ्री क्लास। और दोस्तों अगर हमारे साथ तैयारी करते रहना है, ऐसे ही जानकारी चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए मिलेंगे फिर कल नए वीडियो, नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।